गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2E पेज नंबर 25। ए फाइंड द सम। फर्स्ट ये हमें दो नंबर्स गिवन है, इनका हमें सम फाइंड करना है। सबसे पहले आप इनका पोजीशन मार्क करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लैक। अब आप वंस प्लेस की डिजिट्स को सबसे पहले ऐड करेंगे। जीरो में एट ऐड कीजिए, जीरो प्लस एट यू विल गेट एट, फोर प्लस नाइन, फोर में आप नाइन ऐड करेंगे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, थर्टीन। थर्टीन का जो थ्री है वो आप नीचे लिखेंगे, और जो ये टेंथ प्लेस की डिजिट है वन वो आप नेक्स्ट वाली लाइन में ऊपर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, इस वन को आप यहाँ ऊपर लिखेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। अब आप हंड्रेड्स प्लेस की डिजिट्स को ऐड कीजिए, वन प्लस टू, वन प्लस टू का वैल्यू क्या है, थ्री। थ्री में आप सिक्स ऐड करेंगे, यू विल गेट नाइन। थाउजेंड प्लेस की डिजिट्स को ऐड कीजिए, फाइव प्लस फोर, नाइन। थ्री प्लस सेवन, सेवन में थ्री ऐड करेंगे आपको वैल्यू मिलेगा टेन। टेन का आपका जो वन प्लेस का डिजिट है जीरो वो आप नीचे लिखेंगे, और ये जो वन है ये आप नेक्स्ट कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले कॉलम में ऊपर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वन आप यहाँ लिखेंगे और उसको सर्कल से शो करना है। वन प्लस टू आंसर क्या आएगा, थ्री। थ्री में फोर ऐड करेंगे, यू विल गेट सेवन। ये आपका आंसर है 7,09,938। ये बाकी सम्स भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ये आप बुक में कंप्लीट करेंगे। सेवन्थ वाला देखिए, एक फाइव, यहाँ पे थ्री डिजिट्स को आप ऐड करेंगे, फाइव प्लस टू प्लस थ्री। सबसे पहले इनका पोजीशन मार्क करो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लैक। फाइव में आप टू ऐड करेंगे, फाइव में टू ऐड करो क्या आएगा आपके पास, सेवन। सेवन में एट ऐड कीजिए आपको फिफ्टीन मिलेगा। ठीक है, फिफ्टीन का आपको जो फाइव है वो आप नीचे लिखना है, और वन आप नेक्स्ट कॉलम में ऊपर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वन प्लस फोर, वन प्लस फोर का वैल्यू क्या आएगा, फाइव। फाइव में सिक्स ऐड करो, इलेवन। इलेवन में थ्री ऐड करेंगे, यू विल गेट फोर्टीन। यहाँ पे आपको फोर्टीन का फोर लिखना है, और वन आप नेक्स्ट वाले कॉलम में ऊपर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वन प्लस थ्री फोर, वन को थ्री में ऐड किया क्या आएगा, फोर। फोर में एट ऐड करो, यू विल गेट ट्वेल्व। ट्वेल्व में फोर ऐड करेंगे, यू विल गेट सिक्सटीन। सिक्सटीन का आपको जो सिक्स है वो नीचे लिखना है, और जो वन है टेंथ प्लेस की जो डिजिट है वो नेक्स्ट वाले कॉलम में ऊपर कैरी फॉरवर्ड करना है। वन प्लस वन टू, टू में आप इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया, टू। टू में नाइन ऐड कीजिए, टू में नाइन ऐड करेंगे क्या वैल्यू आएगी, इलेवन। इलेवन में सेवन ऐड करेंगे, यू विल गेट एटीन। एटीन का आपको एट नीचे लिखना है, और वन नेक्स्ट कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करना है। वन में ज़ीरो ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, वन प्लस ज़ीरो क्या है, वन। वन में थ्री ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड करके हमें वन मिला है। वन में अब थ्री ऐड करेंगे, यू विल गेट फोर। इन दोनों को ऐड करके फोर आया। फोर में आप नाइन ऐड कीजिए, थर्टीन आएगा। थर्टीन में जो थ्री है वंस प्लेस की डिजिट आपको नीचे लिखना है यहाँ, और थर्टीन में जो वन आता है वो आप नेक्स्ट वाले कॉलम में ऊपर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वन में आप टू ऐड कीजिए, इस कैरी को टू में ऐड करना है। वन प्लस टू थ्री आएगा। इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आया उसमें आप फोर ऐड करेंगे। वन प्लस टू का वैल्यू क्या है, थ्री। थ्री में फोर ऐड करेंगे, यू विल गेट सेवन। आंसर आपका क्या है, 7,38,645। तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। बाकी पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ। एक और मैं आपको ये समझा देती हूँ, लास्ट वाला आपको बता देती हूँ, ये आप होमवर्क में करेंगे। लास्ट वन, सबसे पहले इनका पोजीशन मार्क करो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, और दिस वन इज लैक। अब आप वंस प्लेस की डिजिट्स को ऐड करना स्टार्ट करो। तीन नंबर्स हैं, जीरो में नाइन ऐड करेंगे, यू विल गेट नाइन।
अब इस 9 में आप 4 ऐड कीजिए, आपको 13 मिलेगा। 9 प्लस 4 का वैल्यू क्या है? 13। 13 में जो 3 है वो आपको नीचे लिखना है और 1 आपको नेक्स्ट वाली लाइन में, नेक्स्ट वाले कॉलम में ऊपर कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, 1 यहाँ ऊपर आएगा, 1 में 3 ऐड करेंगे, ये जो कैरी है इसमें आपको 3 ऐड करना है। 1 प्लस 3 4, 4 में 1 ऐड करेंगे यू विल गेट 5, 5 में 9 ऐड करो आपको क्या मिलेगा? 14। समझ में आया? इन चारों नंबर्स को आपको ऐड करना है, 1, 3, 1, 9, इनको 1 by 1 ऐड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 14। 14 में जो 4 है वो आप नीचे लिखेंगे और 1 को नेक्स्ट वाले कॉलम में ऊपर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब इन नंबर्स को ऐड कीजिए, 1 में 5 ऐड करेंगे वैल्यू आपको मिलेगा 6, 6 में 2 ऐड कीजिए यू विल गेट 8, 8 में 8 ऐड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 16। 16 का 6 आपको नीचे लिखना है, जो 1 है वो नेक्स्ट वाले कॉलम में ऊपर आप लिखेंगे। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही ऐड करना है, 1 प्लस 7 8, इन दोनों को ऐड करके आपको क्या वैल्यू मिली है? 8। अब उस 8 में आप 6 ऐड कीजिए आपको क्या मिलेगा? 14। 14 में जो आप 2 ऐड करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। 16 का 6 आपको यहाँ लिखना है, 1 आप नेक्स्ट वाली लाइन में ऊपर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब इनको ऐड कीजिए, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 5 14, 14 में 7 ऐड करेंगे तो आपको 21 मिलेगा। ठीक है, 21 का आपको 1 नीचे लिखना है। समझ में? 21 आए, आप 1 जो वंस प्लेस की डिजिट है वो आप नीचे लिखेंगे और ये जो नेक्स्ट डिजिट है आपको नेक्स्ट कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, ये 2 आपको नेक्स्ट वाली लाइन में ऊपर कैरी फॉरवर्ड करना है। अब आप इस 2 को 1 में ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 3 आएगा, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10। अब 10 आपको पूरा नीचे लिखना है, नेक्स्ट कोई हमें लाइन नहीं गिवन तो इसको 1 को हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इनको ऐड करके 10 आया, आप 10 एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो ये आपका आंसर है, आपको ऐसे सॉल्व करना। बी देखिए, बी का मैं आपको फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट समझाने जा रही हूँ। बी का फर्स्ट पार्ट देखिए, 6,35,987 प्लस 1,41,578 प्लस 12,935, इनको आप कॉलम में अरेंज करेंगे और इन नंबर्स को आप ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको पोजीशन मार्क करना है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लैख। अब आपको ये नंबर यहाँ नीचे लिखना है, ये क्या है? 6 लैख। तो यहाँ इसके नीचे आप लिखेंगे 35,000, थाउजेंड के नीचे 35 आएगा, 987। अब आपको सेकेंड नंबर लिखना है यहाँ पर, 1,41,578। अब ये नंबर क्या है? 12,000। तो आप 1,000 वाली कॉलम में 12 लिखेंगे, 935, 9 यहाँ आएगा और 35 यहाँ आएगा। अब आपको इन नंबर्स को ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे? वंस प्लेस की डिजिट को सबसे पहले आप ऐड करेंगे, 7, इन दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए, 7 प्लस 8 का वैल्यू क्या आएगा? 15। इन दोनों को ऐड करके आपको 15 मिलेगा। 15 में आप अब ये नीचे वाला नंबर ऐड कीजिए, 15 में 5 ऐड करेंगे यू विल गेट 20। 20 का जो 0 है वो आपको नीचे लिखना है आंसर में, और जो ये 2 है ये आप नेक्स्ट वाले कॉलम में ऊपर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 2 आप यहाँ लिखेंगे और एक सर्कल बनाएंगे। 2 में आप 8 ऐड कीजिए, 2 प्लस 8 का वैल्यू क्या आएगा? 10। इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा? 10। 10 में अपनी नीचे वाला नंबर ऐड कीजिए, 7, 10 में 7 ऐड किया आपको 17 मिलेगा। 17 में अब ये वाला नंबर ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 20। ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों नंबर्स को ऐड करके, इन 4 डिजिट्स को ऐड करके 20 आएगा। 20 का 0 आपको नीचे लिखना है और जो ये 2 है ये आप नेक्स्ट वाली लाइन में ऊपर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 2 आप यहाँ लिखेंगे और सर्कल बनाएंगे। 2 प्लस 9, अब इनको ऐड करना है, 2 में 9 ऐड करेंगे यू विल गेट 11। इन दोनों को ऐड करके 11 आया, 11 में 5 ऐड करेंगे यू विल गेट 16, 16 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 25। ठीक है, इन सबको ऐड करके वैल्यू क्या मिली मुझे? 25।
25 का जो 5 है वो मैं नीचे लिखूंगी और जो ये 2 है ये नेक्स्ट वाली लाइन में सबसे ऊपर कैरी फॉरवर्ड होगा। अब इनको ऐड कीजिए, 2 प्लस 5 7, 7 में 1 ऐड करेंगे यू विल गेट 8, 8 जो आया उसमें आप ये 2 ऐड करेंगे आपको 10 मिलेगा, 10 का 0 आप यहाँ लिखेंगे, 1 आप नेक्स्ट वाली लाइन में ऊपर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब इनको ऐड कीजिए, 1 प्लस 3 इन दोनों को ऐड करके वैल्यू क्या आई है 4, 4 में आप ये वाला नंबर ऐड कीजिए, 4 में 4 ऐड करेंगे वैल्यू आपको मिलेगा 8, 8 में आप 1 ऐड करेंगे आपको मिलेगा 9, ठीक है। अब इनको ऐड कीजिए, 6 प्लस 1 7, ये आपका फाइनल आंसर है। आपका आंसर क्या है, 790,500, ठीक है। तो आपको बी का मैंने फर्स्ट पार्ट कराया, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम ये स्टार्ट करेंगे।